गाइज न्यू कलेक्टर्स जर्नी वाला जो इवेंट है वो कैरम पुल के अंदर आ चुका है, और इसको किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं और इसके जो रिवॉर्ड्स हैं ना भाई, वो टोटली अनएक्सपेक्टेड थे हमारे लिए, वो आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके लास्ट में हमें मिल रहा है कारियो गैलरी का गोल्डन चेस्ट। गाइज इसको कंप्लीट करने के लिए अगर आप कोई भी इक्विपमेंट अनलॉक करेंगे तो 120 पॉइंट्स, स्टैंडर्ड स्ट्राइकर को अपग्रेड करने के 30, रेयर के लिए 70 और इपेक स्ट्राइकर के लिए 180, और लेजेंडरी स्ट्राइकर को अगर आप अपग्रेड करते हैं तो 400 कीज़ आपको मिलने वाली है। तो गाइज़ इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 1200 कीज़ चाहिए होंगी। तो यहाँ पर मेरी साइडी के अंदर कुछ स्ट्राइकर्स हैं, लेजेंडरी स्ट्राइकर तो नहीं है, लेजेंडरी स्ट्राइकर होता तो ये इवेंट बहुत ही ईजीली कम्प्लीट हो जाता और हमारे कॉइन्स भी कम यूज़ होते, लेकिन अभी हमें इन स्ट्राइकर्स को जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इन सभी स्ट्राइकर्स को मैं अपग्रेड करूँगा और हमें टोटल 1200 कीज़ चाहिए। गाइज अगर आपके पास लेजेंडरी स्ट्राइकर अपग्रेड मांग रहा है तो सिर्फ 3 बार आप किसी भी लेजेंडरी स्ट्राइकर को अपग्रेड करेंगे, 3 बार, आपको कोई और स्ट्राइकर अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 बार आप लेजेंडरी स्ट्राइकर को अपग्रेड करेंगे तो आपके पास ये कलेक्टर्स जर्नी वाला जो इवेंट है वो कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स है वो भी हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग जैसा कि चेकआउट कर सकते हैं हमारे पास जो ये 1200 कीज़ हो चुकी हैं, तो अभी हम चलकर जो है अपने सारे रिवॉर्ड्स जो है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट में जो गोल्डन चेस्ट है कारियो गैलरी वाला, वो गाइज बहुत ही कमाल की चीज़ें उसके अंदर मुझे मिली थी, तो वो ज़रूर देखना है आपने। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर ये रिवॉर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिवॉर्ड्स आप चेक कर लें। कोई बोल रहा था कि भाई हमें इसके अंदर स्ट्राइकर मिलने वाला है, कोई बोल रहा था इमोजी मिलने वाला है, तो वो सब हम लोग अंदाज़ा ही लगाते हैं, बाकी वो मिनी क्लिप देगा या नहीं देगा वो तो मिनी क्लिप ही जानता है। तो सबसे पहले गाइज ये जो चेस्ट है गाइज ये सिंगापुर का मुझे लग रहा है, ठीक है, ये सिंगापुर का ब्रॉन्ज चेस्ट है। उसके बाद 18 जेम्स हमें मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो ये सिल्वर चेस्ट है ना, ये न्यूयॉर्क का लग रहा है मुझे, न्यूयॉर्क का सिल्वर चेस्ट दिया है मिनी क्लिप ने। इसके अंदर भी कुछ ख़ास नहीं निकला मेरा। और जो गाइज यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर ये लक्की शॉट है 25 जेम्स, और लास्ट में एक गोल्डन चेस्ट है, वो है गाइज कारियो गैलरी का गोल्डन चेस्ट। अभी आपने देखना है उसके अंदर रिवॉर्ड्स कितने अच्छे निकले थे, अगर सभी गोल्डन चेस्ट के अंदर इतने अच्छे रिवॉर्ड्स निकले तो क्या ही बात है। ये चेक करें, न्यूक ट्रोन और प्राइड अनलॉक हो गया, और यहाँ पर ब्लॉसम के मुझे 16 पॉइंट्स मिल गए, कमाल का बॉक्स था यार, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकली, एक ही बॉक्स के अंदर चारों काम की चीज़ें निकली हैं। बाकी ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है लास्ट वाला जो बॉक्स है गोल्डन चेस्ट है कारियो गैलरी वाला, उसके अंदर आपकी कोई काम की चीज़ निकली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।